हेलो फ्रेंड्स दिस इज दीपक सिंह और आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे आचार्य कृपलानी जी के बारे में ये टॉपिक हम क्यों डिस्कस करेंगे क्योंकि रिसेंटली इनका बर्थडे था तो मोदी जी ने एक इनको बर्थडे विशेज दी मतलब अब तो नहीं रहे पर उन्होंने एक मैसेज ट्वीट करा था कि माई विशेज टू द फैमिली ऑफ आचार्य कृपलानी तो नॉर्मली हम फ्रीडम फाइटर्स के बारे में पढ़ते रहते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंट मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया के बारे में पढ़ते रहते हैं तो आचार्य कृपलानी के बारे में हम थोड़ा कम पढ़ते हैं सारा डिबेट नेहरू सरदार पटेल वगैरह

लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ एमसीक्यूज पूछना चाहूँगा। वैसे ऑब्वियस ही बात है हम आचार्य कृपलानी का टॉपिक पढ़ रहे हैं पर अगर मैं आपसे पूछूं कि हु वाज गिवन द मोनिकर और हु वाज ओनली नोन बाय द नेम ऑफ आचार्य अगर मैं इस तरीके से आपसे पूछूं तो अगर मैं कुछ फ्रीडम फाइटर्स के या फिर रिफॉर्मर्स uh, के नाम लू जैसे हो गया जीवन दास भगवान दास कृपलानी हो गया चलेगा फिर हो गया सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो गया तो इस तरीके से अगर मैं दो तीन नाम लू आपको के बारे में तो कन्फ्यूजन हो सकती है सरनेम तो चलो आपको उसके बेसिस पे आप जज कर सकते हैं पर इसका करेक्ट आंसर है जीवनदास भगवान दास कृपलानी उनको आचार्य कृपलानी के नाम से माना जाता है बोला जाता है ठीक है फिर एक एमसी की उनकी लाइफ पे ऐसे भी बन सकता है कि हु वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस दैट इज इन 1946 के आसपास अगर देखा जाए तो उस टाइम पे कौन प्रेजिडेंट बने थे 1946 की अगर मैं बात करूँ तो कौन थे तो इसमें भी ऑप्शन दी जा सकती है मौलाना अबुल कलाम आजाद सरदार पटेल नेहरू आचार्य कृपलानी तो ये एम बन सकता है तो करेक्ट आंसर इसमें भी होगा आचार्य कृपलानी ये भी पूछ सकते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी पार्टीज आफ्टर इंडिपेंडेंट क्योंकि फिर एक पॉलिटिशियन के रूप में भी आ गए थे इन्होंने अपनी कांग्रेस से इन्होंने रिजाइन कर दिया था कांग्रेस छोड़ दी थी क्योंकि इनके डिफरेंसेस हो गए थे नेहरू के साथ तो उसके बाद इन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टीज भी फॉर्म करी थी और कौन कौन सी फॉर्म करी थी किसान मजदूर प्रजा पार्टी पहले फॉर्म करी थी फिर तो वो सोशलिस्ट पार्टी के साथ आपकी मर्ज हो गई थी तो बन गई थी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी इस तरीके से बन गई थी तो ये एक बन सकता है एमसी क्यू की ये पार्टी किसने फाउंड करी थी या फिर हु वॉज वन ऑफ द फाउंडर मतलब दो तीन फाउंडर्स के नाम दे सकते हैं और उसमें से एक ऑप्शन इनकी हो सकती है सो ही विल बी वन ऑफ द ऑप्शन ये हो गया फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट एमसी क्यू बन सकता है, कि India, in लोकसभा, no तो ये है और ये पंडित नेहरू के अगेंस्ट हुआ था इन द बैकग्राउंड ऑफ इंडो चाइना वॉर तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किसने करा था तो बहुत बड़ा इंसान होना चाहिए जिन्होंने मूव करना चाहिए तो ये आचार्य कृपलानी जी ने मूव करा था सो so, देख आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा उनका स्ट्रेचर था उस टाइम पे कितनी उनकी फैन फॉलोइंग थी कि उन्होंने नेहरू गवर्नमेंट के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करा था अब इन्हीं से रिलेटेड एक और क्वेश्चन अगर पूछे कि हु <tell> द <noise> फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट इंडिया हु द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर इन द इंडिपेंडेंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया तो उसमें अगर ऑप्शन दी जाए आपके सरवण्य नायडू हो गए विजय लक्ष्मी पंडित हो गई सुचेता कृपलानी हो गई और भी हो गए तो उसका करेक्ट आंसर है सुचेता कृपलानी

फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर एंड ओवरऑल इंडिया में फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर बनी थी तो फ्रेंड्स ये कुछ एमसीक्यूज बन सकते हैं इस इसपे एक क्वेश्चन भी आ सकता है में राइट फ्यू वर्ड्स अबाउट द रोल ऑफ आचार्य कृपलानी जी इन द मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया तो उसमें आपकी इंडिपेंडेंस हिस्ट्री और साथ में उनका पॉलिटिकल करियर uh, के बारे में इंडिपेंडेंस के बाद जो उनका करियर था उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं अगर स्पेसिफिकली उस पर भी आ जाएगा तो फोकस आपका लेटर पार्ट पे रहेगा तो फ्रेंड्स इस एमसीक्यूज के बैकग्राउंड में लेट्स द टॉपिक ऑफ आचार्य टूलानी जी जैसे एक, एक मैंने था, बड़ा तो इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला प्रधानमंत्री कौन मानेगा आपको उसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री पता ये कि सरदार पटेल को सबसे ज्यादा वोट मिले थे पर गांधी जी नेहरू को एंडोर्स करा था तो वहां पे हो गया था तो लेकिन सरदार पटेल के बाद सबसे ज्यादा वोट किसको मिले थे आचार्य कृपलानी को तो आप देख सकते हैं और uh, फॉलोइंग कितनी ज्यादा थी इनको लोग कितना मानते थे तो इनका एंड ही सर्व सेक्रेटरी ऑफ द आई कांग्रेस फ्रॉम टू और फोर्टी 45 के बाद 46 में ये उसके प्रेजिडेंट बन चुके थे तो नियर द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया ये उसके इंडियन नेशनल uh, कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे पर 51 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी टू फॉर्म किसान मजदूर प्रजा पार्टी विद लेटर ऑन बिकेम प्रजा सोशलिस्ट पार्टी लोकसभा में चार बार इलेक्ट हुए थे 52, 57, 62, 67 इन स्पाइट ऑफ नॉट बींग कांग्रेस एंड इन्होंने फर्स्ट एवर नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में मूव करा था अगेंस्ट इंडिया टू तो चाइना और इन्होंने काफी इमरजेंसी की क्रिटिसम हो गया या फिर ओवरऑल पॉलिसीज होगी कांग्रेस की उसको क्रिटिसाइज करते रहे थे तो नरेंद्र मोदी जी ने उनको ट्रीब्यूट पे करे थे तो इस बैकग्राउंड में हम पढ़ रहे हैं ही लिव बिटवीन एटीन टू नाइनटीन और इनका पूरा नाम क्या है जीवत राम भगवान दास कृपलानी इनका नाम है पर कहा जाता है इनको आचार्य क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट एजुकेशनस्ट भी थे इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट इंडियन पॉलिटिशियन और एजुकेशन की फील्ड में भी इनका काफ़ी रोल रहा था तो स्टार्टिंग से अगर इनके करियर की बात करें तो पहले एजुकेशन की फील्ड में काम करते थे काफ़ी जगह पर इन्होंने पढ़ाया था उन्नीस से उन्नीस के बीच में बहुत जगह पर पढ़ाया था उसके बाद फुली इंडिपेंडेंस में इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में फ्रीडम स्ट्रगल में ये इन्वॉल्व हो गए थे और 1922 के अराउंड गुजरात विद्यापीठ में जब ये पढ़ा रहे थे जिसको फाउंड करा था महात्मा गांधी ने कुछ साल पहले तो उस टाइम के अराउंड इनको आचार्य का मोनिकर दिया गया था तो लोग इन्हें आचार्य बुलाने लग गए थे आचार्य कृपलानी पूरा नाम बोलने में नहीं बुलाते थे फिर आचार्य कृपलानी के नाम से इनको बुलाने लग गए थे जैसे सरदार पटेल महात्मा गांधी पंडित नेहरू उसी तरीके से आचार्य कृपलानी तो ये इनका हो गया था ये एजुकेशन की फील्ड में इनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा था मैंने आपको बताया था उन्नीस से उन्नीस तक इन्होंने पढ़ाया भी था मतलब एक तरीके से Uh, काफी जगह पे पढ़ाते थे ये उसके बाद फुली इन्वॉल्व हो गए थे पर स्टार्टिंग में भी वाइल बीइंग अ टीचर वो आपके फ्रीडम स्ट्रगल में इन्वॉल्व थे तो उन्होंने जो भी मेजर महात्मा गांधी द्वारा जो भी उनकी मेजर uh, मूवमेंट्स लॉन्च करी गई थी आपकी हो गई ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गई एनसीएम हो गई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होगी क्विट इंडिया मूवमेंट होगी इन सब पे भी इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे बैक एंड पे काफी ज्यादा मेन रोल प्ले करा था मासेस को मोबालाइज करने में तो इनका काफी मेजर रोल रहा था फिर मैंने बताया था कि

पोस्ट इंडिपेंडेंस मैंने बताया था कि डिफरेंसेस आ गए थे इनके नेहरू के साथ और बाकी लोगों के साथ तो ही वाज वन ऑफ़ द फाउंडर ऑफ किसान मजदूर प्रजा पार्टी विच लेटर ऑन मर्ज विद द सोशलिस्ट पार्टी टू बिकेम प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ठीक है और उसके बाद वो ऑपोजिशन में तो रहे थे मैंने आपको बताया था लोकसभा में चार टर्म्स के लिए 92, 57, 63, 67, इमिजिएटली आफ्टर इंडिया डिफीट टू चाइना इन द इंडो चाइना वॉर और नेहरू पॉलिसीज की जो भी थी उनको क्रिटिसाइज करते रहते थे और इंदिरा गांधी को भी क्रिटिसाइज करा था और इमरजेंसी में ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट फैलो टू बी अरेस्टेड ड्यूरिंग एमरजेंसी उसको भी क्रिटिसाइज करा था तो हमने तीन चीजें डिस्कस कर ली एजुकेशन कर लिया आपका फ्रीडम स्ट्रगल हो गया चौथा तीसरा आपका ये भी आ सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में आ गया उसको फ्रेमिंग में आ गया उसमें भी पार्ट थे कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली के चौथा हो गया आपका एज उनका पॉलिटिकल करियर पांचवा हो गया एनवायरमेंटल रोल तो विनोभा बावे के साथ जिन्होंने फील्ड में काफी ज्यादा काम करा था भूदान मूवमेंट भी करी थी इन्होंने लॉन्च करी थी तो उसके साथ भी इन्होंने ही वॉज इन्वॉल्व इन प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन एक्टिविटीज थ्रू आउट द नाइनटीन तो लेट सेवेंटीज में पॉलिटिकल में इन्होंने थोड़ा बैकसीट ले लिया था करियर और उसके बाद में ये एनवायरमेंट की तरफ जब वहां पे आपकी पीक पे थी वहाँ पे आपकी तो सुचेता कृपलानी इनकी वाइफ तो थी जो इंडिया की पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर थी हु लेड उत्तर प्रदेश फ्रॉम सिक्सटी थ्री टू सिक्स ये कांग्रेस का ही पार्ट रही थी इन्होंने रिजाइन नहीं करा था तो यहाँ पे पॉलिटिकल डिफरेंसेस आ गए थे और इनकी ऑटोबायोग्राफी थी माय टाइम्स विच वाज रिलीज्ड इन 2004 इनकी डेथ के बाद तो फ्रेंड्स अगर आपको एक तो हल्की सी मैं रिवीजन करा दूं, तो इनका अगर रोल के बारे में कहें तो क्या था फर्स्ट इज एजुकेशन सेकंड फ्रीडम थर्ड आ गया आपका कॉन्स्टिट्यूशन फोर्थ आ गया आपका पॉलिटिकल करियर जिसमें आपको बताया था मैंने नो कॉन्फिडेंस मोशन इन्होंने मूव करा था और फिफ्थ हो गया आपका एनवायरमेंट तो ये इनके पांच रोल के अंदर आप इसको कैटेगराइज कर सकते हैं हैं जब भी आंसर लिख रहे हैं, तो ऑफ राइटिंग इन अ लॉन्ग पैराग्राफ आप बीच में सब दे देंगे दे दे ना ऐसे तो आपके इवेल्यूएटर को भी पढ़ने में आसानी रहेगी याद करने में और इंप्रेशन बड़ा अच्छा चला जाएगा तो वो आपको नंबर भी ज्यादा देगा उसको लगेगा कि समझ है जो भी एस्पिरेंट लिख रहा है तो इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में आप सब दे देना दे मेंस के आंसर में आपके लिए बेनिफिट रहेगा और इसी तरीके से आपको याद करने में भी आसानी रहेगी बस ये पॉइंट याद रख लीजिए पांच उसके बाद तो और कुछ फिर अपने आप आंसर बन ही जाते हैं लैंग्वेज वगैरह तो तो फ्रेंड्स ये लेक्चर था आपका आचार्य कृपलानी के कंटेक्स में आई होप आपको लेक्चर पसंद आया हो अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज लाइक करिए शेयर करिए अपने फेलो एस्परेंट्स के साथ और सब्सक्राइब करिए एक्यू बाई एस के चैनल पे हम बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी हैं फेसबुक हो गया इंस्टाग्राम हो गया टेलीग्राम हो गया यूट्यूब हो गया ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है कोई भी क्वेरीज हैं तो आप हमें वाई ऑल दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूट्यूब पे कमेंट्स के थ्रू या फिर इस टेलीफोन से आप हमें रीच आउट कर सकते हैं सो फ्रेंड्स दिस इज दीपक सिंह ऑन बिहाफ ऑफ एक्यू बाय साइनिंग ऑफ बाय थैंक यू